हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज के मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो अभी जो है ना, शाम का समय है और शाम हो या सुबह हो, घर के बहुत से काम होते हैं। बस फर्क इतना ही होता है कि सुबह का जो काम होता है ना, वो थोड़ा जल्दी जल्दी करने का होता है, क्योंकि सारा ही काम ना हमें बिल्कुल समय से मैनेज करना होता है। तो अभी जस्ट 15 मिनट पहले ही मैं सैलून से आई हूँ, और सैलून से आने के बाद 15 मिनट का रेस्ट लिया। फिर उसके बाद मैं आ गई थी सीधे किचन में गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाने के लिए। क्या होता है, शाम की चाय पीने से ना थोड़ी थकान तो दूर होती है, साथ में थोड़ी सी एनर्जी भी आ जाती है। और यहाँ पर एक साइड जो है मैंने अदरक वाली चाय रख दी है, और गैस का फ्लेम जो है वो कम कर दिया है, जिससे कि ना वो धीमी आंच पे बहुत ही अच्छे से पक जाए। जब चाय बहुत अच्छे से पकती है ना, तो उसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाता है। तो एक तरफ मेरी चाय बन रही है, और साथ ही साथ ना मैं यहाँ पर रात के खाने की तैयारी भी कर लेती हूँ। आलू प्याज को जो है मैं काट के रख लूंगी, क्योंकि आज रात को ना इनको भी जाना है भोपाल किसी काम से, तो 8 बजे की इनकी भी ट्रेन है। तो चाय वगैरह पीने के बाद मुझे खाना भी जल्दी ही रेडी करना है। यहाँ जो भी दोपहर के बर्तन रखे थे उनको मैं अच्छे से उनकी जगह पर लगा देती हूँ, जिससे मेरा काउंटर टॉप जो है वो थोड़ा खाली हो जाए, स्पेस हो जाती है ना, तो काम करने में इजी हो जाता है। नहीं तो वैसे ही अगर भरा भरा रहता है तो चीजें और ज्यादा फैल जाती हैं। तो मैं इनको यहाँ पर लगा लेती हूँ, और सब्जी मैंने काट कर रेडी कर लिया है, और चाय भी बन गई है। तो फ्रेंड्स, अभी ना इतनी गर्मी हो रही है कि मैंने यहाँ पर ना सामने ही टेबल फैन लगा लिया है, जिससे थोड़ी सी राहत मिले, क्योंकि कितना भी गैस फैन चालू कर दो ना, लेकिन किचन में गर्मी तो रहती ही है। तो वापस से मैं आ गई हूँ अपने किचन में। और होता है ना कि जब किसी को कहीं जाना होता है तो समय जो है ना वो कैसे जल्दी जल्दी निकल जाता है, टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो मैं इनके रास्ते के लिए बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी सूखी। मैंने इसमें जीरे और हींग का तड़का लगा के, और बस बारीक कटी हुई छोटी छोटी प्याज डाली। प्याज जो है ना वो मैंने थोड़ी सी रफली बड़ी बड़ी काट के रखी थी, फिर मुझे सही नहीं लगा, तो फिर मैंने उसमें चॉपर से ना उसको थोड़ा सा चॉप कर लिया, और फिर मैंने उसका तड़का लगाया। उनके लिए जाने के बाद ना मैं बस बच्चों के लिए थोड़ा सा हल्का सा रसेदार उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, क्योंकि क्या होता है कि शाम के टाइम थोड़े से बच्चे जो है ना वो रसीली सब्जी खाना ही पसंद करते हैं। और साथ ही साथ ना मैं एक तरफ आटा लगा लेती हूँ, फिर गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकाल लूंगी, फिर देखते हैं इनके ले जाने भर का ही पहले निकालूंगी थोड़ा सा, और जब बच्चे खाएंगे तो बच्चों के लिए थोड़ा रुक के बनाऊंगी, क्योंकि इनके जाने के बाद ही हम सब लोगों का खाना वगैरह होगा। तो जस्ट अभी मैं पूड़ियां सेकते सेकते ना मैं इनसे यही पूछ रही थी कि आपको कितने बजे निकलना है। तो बस इतने में ही ना इतनी तेज वाली बारिश शुरू हो गई कि लग नहीं रहा था बारिश का मौसम नहीं था, पर बादल अचानक से हुए और काफी अच्छा पानी गिरा। कभी कभी ना जो भी होता है अच्छा ही होता है, ऐसे मौसम में निकलना तो मुश्किल ही हो पा रहा था। लेकिन तभी ना इनकी ट्रेन भी लेट हो चुकी थी, और ये जब ट्रेन लेट हो गई थी फिर हम लोगों ने घर पर ही खाना वगैरह एक साथ सभी ने खा लिया, और खाने के बाद ना जो भी मेरे काम थे किचन क्लीनिंग और बर्तन वगैरह वो सब मैंने साफ करके रख दिए, और 10-15 मिनट हम लोग बैठे भी। फिर उसके बाद ना इनका टाइम हो गया, और ये 9:30 बजे जो है वो निकले थे। गुड मॉर्निंग, अभी हो गई है सुबह, और सुबह के ढेरों काम की शुरुआत। हमारे कामों में ना सबसे बड़ा काम है बच्चों को स्कूल भेजना, क्योंकि क्या होता है कि सुबह सुबह बच्चों को जगाना ही ना सबसे बड़ा काम होता है, कोई भी आसान काम नहीं है। हम सभी मम्मी ना सबसे बड़ा काम यही करती हैं कि बच्चों को जगाना। बच्चे जो है ना अभी उठ गए हैं, और वो अपने स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं। जब तक बच्चे वहाँ रेडी हो रहे हैं तो मैं बच्चों का ना लंच बॉक्स भी मैंने तैयार कर दिया है। बच्चों के स्कूल भेजने के बाद ना मैं यहाँ आ गई थी अपने सुबह पूजा के बर्तन धोने के लिए। तो बच्चों के जाने के बाद ही मन को आराम होता है, तब जाके हम पूजा भी अच्छे से कर पाते हैं। ये सावन का महीना ना बड़ा ही पावन होता है, हर जगह ही ना शिव जी की आराधना होती है, कांवड़ यात्रा भी निकाली जाती है। तो यहाँ पर जो है ना वो पूजा के बर्तन मेरे धुल गए हैं, और अभी चलती हूँ मैं पूजा करने। तो बस पूजा करने के बाद जो है ना वो बाकी के घर के काम जो है मेरे शुरू होंगे।
तो फ्रेंड्स अभी जो है ना पूजा वगैरह करने के बाद और बस मैंने अपनी ब्लैक वाली टी ली और ब्लैक टीने के बाद मैं लग गई अपने कामों में। तो यहाँ जो है ना मैं फिल्टर में पहले पानी डाल देती हूँ, इससे क्या है ना कि मेरा पानी जो है वो धीरे धीरे से फिल्टर भी होता रहेगा और साथ ही साथ जो है वो काम भी होते रहेंगे। और जो भी इस एरिया का काम है ना पहले मैं उनको वहीं से स्टार्ट करूँगी करना। तो अभी ना मैं पौधों में पानी डाल देती हूँ। बाहर के पौधों में तो पानी डालना नहीं है क्योंकि रात में इतनी तेज बारिश हुई थी कि पानी की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पर साथ ही ना मैं अपने टेबल फैन को भी क्लीन कर लूँगी क्योंकि ये वाइट कलर की है तो इसमें भी बहुत ही जल्दी से जो धूल है ना वो दिखने लगते हैं। तो काम जो है ना वो हम लोग को करना ही है, चाहे अंदर से कमरों से शुरुआत करें या बाहर से। तो यहाँ बाहर के क्लीनिंग के बाद ना मैं अंदर आ गई थी और अंदर के भी जो भी मेरे बिस्तर वगैरह थे, बेड थे, मैंने उनको क्लीन किया और जो भी बुक्स वगैरह बच्चों की थी या दो चार जो भी कपड़े यहाँ वहाँ थे ना मैंने उन सबको उनकी जगह पर लगा दिया। और यहाँ पर ना दोनों ही कमरे के जो मैंने जो भी सारे सामान बिखरे पड़े थे उनको एडजस्ट करने के बाद फिर लास्ट में ना फाइनली मैं झाड़ू लगा रही हूँ। आज ना मैंने क्लीनिंग आप लोगों के साथ शेयर नहीं की क्योंकि होता है ना वीडियो जो है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है और मेरी यही कोशिश रहती है ना कि मैं वीडियो को थोड़ी सी छोटी ही बनाऊँ क्योंकि बड़ी वीडियो में बहुत ज़्यादा समय लगता है और शायद ही कोई इतना समय देता हो देखने के लिए क्योंकि हम सभी लोग ना बड़ी वीडियो देखने में थोड़े से बोर हो ही जाते हैं। तो अभी जो है ना मैं दोनों कमरे और किचन की जो झाड़ू है ना वो एक साथ निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद ना पोछा रह जाएगा और फिर पोछा लगा लूँगी। एक साथ झाड़ू निकालने से यही होता है ना कि दोनों कमरे के साथ साथ जो है ना मेरे किचन का भी पोछा एक साथ ही लग जाता है। ऊपर का जो काउंटर टॉप है ना उसको तो मैं थोड़ी थोड़ी देर में क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि जो भी कुछ गिरता है उसको लगे हाथ ना एक सूखे कपड़े से मैं क्लीन कर लेती हूँ। और जो भी नीचे का एरिया है ना फर्श वगैरह वो एक साथ ही मैं पोछा लगा लेती हूँ पूरे कमरे से लेकर बाहर तक। और मैंने दोनों ही कमरे की बेडशीट जो है ना वो आज निकाल दी थी तो बस मैंने सबको इकट्ठा कर दिया है धोने के लिए। आज ना मैंने दोनों ही कमरे में एक ही सी बेडशीट बिछाई है। तो यहाँ पर ना झाड़ू निकालने के बाद मैं इस एरिया में आई थी तो स्टोर रूम की क्लीनिंग भी की थोड़ी बहुत मैंने और साथ ही में ना मैं आ गई थी ये वॉश बेसन वाले एरिया को क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पर जो है बाथरूम की भी क्लीनिंग हो गई साथ साथ। और होता है ना जब हम लोग जिस एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा भी काम करते हैं ना तो उस साइड का भी जो हमारा काम है वो साथ ही साथ होता रहता है। तो यहाँ पर ना क्लीनिंग के बाद और सब कुछ साफ करने के बाद ही ना मैं लास्ट में मैं फाइनली पोछा लगाऊंगी। हम लेडीज ना जो भी अपने काम को करती हैं तो हमारे माइंड में चलता ही रहता है ना कि हम अपने काम को किस तरह से करें कि हमारा काम जो है ना और भी कम समय में हो जाए। तो यहाँ जो है ना लगभग मेरे सारे ही काम जो है वो डन हो चुके थे तो फाइनली बस मेरा पोछा रह गया था और बस मैं पोछा लगा लूंगी। और मुझे वॉशिंग मशीन लगानी थी क्योंकि कपड़े आज ज्यादा थे तो आज नहीं लगा करके मैं कल लगाऊंगी क्योंकि बस थोड़ा सा मन नहीं हो रहा है आज कपड़े धोने के लिए। तो फाइनली ना मेरे दोनों ही कमरे की क्लीनिंग हो गई है, मेरा पूरा जो एरिया है ना घर का वो आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।